इस उम्र में भी ये लोग इतना कर रहे हैं आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। एक साल होने जा रहा है इस चैनल को। वी नो कि अभी चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, हमें भी बुरा लगता है इस चीज का, बट क्या कर सकते हैं। आप लोग लाइक करेंगे और जितने कमेंट करेंगे ना उससे ही इसकी रीच बढ़ेगी, तो आप लोग वो कीजिए। बाकी रब रखा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। आज बहुत ही हॉटेस्ट डे है, बहुत ही गर्म है। सुबह से ही सूरज पूरी अपनी चरम सीमा पे गर्मी लिए लेकर के आई हुई है, और हमारी पत्नी और बेटी हमारी दोनों लगी हुई हैं। बेटी हमारी लगी हुई है नाश्ता बनाने में और पत्नी जी लगी हुई है दूध गर्म करने में। गुड मॉर्निंग। लेकिन एक चीज है, अगर मैं दोबारा चाय मांगूंगा तो शायद चाय मांगोगे तो दूध मिलेगा। पहले मैं बोल लूं। ये दूध पी रही है, मैं लहसुन छील रही हूँ। क्या कॉम्बिनेशन? अच्छा ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये क्या कॉम्बिनेशन है मुझे बताइए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मगर ये क्या कॉम्बिनेशन है? वो ब्लैक शैडो, इधर कम शैडो, वो ब्लैक, ये ब्लैक, मैं भी ब्लैक, क्योंकि अभी नहीं ना ये कल वाले कपड़े हैं, कल वाले कपड़े हैं, शैडो भी ब्लैक, बाल कलर की हूँ। हाँ अच्छा, ये बाल कलर की, तभी ऐसा लग रहा है कि ये अजीब सा क्या किया हुआ आपने। और वो क्या बना रहे हो? चने की सब्जी, वो लपेट के जो बनता है, सरसों वाली। चने की सब्जी लपेट के सरसों बनता है? अरे बेसन की एक कड़ी सी खिलाए थे ना, तो आज वेज फिश बना रहे हैं। ये फिश सिर्फ वेज खाती है? हाँ। और ये फिश सब कुछ खाती है। मोटी हो गई है फिर। और ये कैमरे के पीछे वाला फिश सारा दिमाग खाते हैं। मैं शार्क हूँ। कैमरे के पीछे वाला फिश सबका दिमाग खाती है, खाता है, खाता है, खाता है। मैं शार्क हूँ, ठीक है ना? शार्क हूँ, शार्क। और इसका बचपन का फोटो मैं दिखाऊंगी। अच्छा चलो, क्या दिखाऊंगी मैं? हाँ डैडी का बाल कटवाने। बाल है भी उनके? बाल है। और एक ब्लू वेल लेटे रहते हैं वहां पे, उठ के पलटते हैं। देख लो माँ, आपके बड़े बेटे को छोटी बहू, अभी क्या कहे, जमाना, दुनिया वाले क्या कहेंगे भाई। चाय पीना तो सहना तो पड़ेगा इतना। मोटल्ली बोलती है, बोलता बोलती है, बोलता है। मम्मी को अपना ही नहीं पता कि जेंडर क्या है बेटे का। अभी चाहे लड़की रहता तो ठीक था, बहुत अगुआ लोग आता है, लड़की होती लड़की तो ऑपरेशन होता है। आज मैं आप लोग को जैसे एगलेस एक कड़ी बनाए थे उसी तरह ये फिश कड़ी है, विदाउट बोन फिश कड़ी। मींस की बेसन का चना अभी भिगोए हुए थे, उसी को ऐसे पीस लिए, पूरा ऐसे पीस लिए है, एकदम इस तरह से रहेगा ये। अब इसमें मसाला ये सब डालेंगे, मसाला डालेंगे जो बेसिक मसाला होता है वही डालेंगे। ये सरसों वाली बना रहे हैं, पीस तो सरसों में ही बनता है, इसलिए ये सरसों वाली बनाएंगे। छोटे चम्मच से एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक चम्मच ये गरम मसाला, ये एक चम्मच एंड हाफ, वन एंड हाफ टीस्पून नहीं, यही जो हमारे चम्मच है उसी तरह से उसी से लेंगे। और एक स्पून लहसुन ले लिए, ये मैं पहले से ग्राइंड करके रख ली हूँ। टमाटर अब पहले मसाले के लिए तैयार कर लूँ मैं, जब तक तवा मेरा गर्म हो रहा है तब तक मैं मसाले, देखिए आप लोग बोले थे ना कि रिफाइंड में नहीं बनाइएगा, तो मैं अब रिफाइंड बंद कर दी, सरसों तेल में ही खाना बनाने लगी हूँ। तो ये मैं इसमें सरसों तेल डाल दी, ये पचफोरना बोलते हैं इसको, ये देखिए इसमें ये पचफोरना है, तो ये डालेंगे, तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे और इसको मिला लेंगे पूरा अच्छा से। ये इस दो तीन तरह से बनता है, एक तो चाड़ के, एक बार आप लोग को बताए थे चाड़ के बनता है, और एक ये तावे पे फैला के फिर कट पीस कट कट करके बना देंगे आराम से। ये चटक जाए, चटक रहा है, फिर मैं ये जो टमाटर डालूंगी ना, चार टमाटर है बड़े बड़े साइज के, चार टमाटर इसमें मैं इसी में मसाला डाल दूंगी। ये रहा हल्दी, मिर्ची पाउडर है, स्वाद अनुसार अपना मिर्ची पाउडर डालो आप, ये थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये सरसों पाउडर है, भर भर के
3 स्पून सरसों पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हल्दी एक एक चम्मच डालेंगे, नमक क्योंकि इसमें भी ये है स्वाद अनुसार नमक, और एक चम्मच लहसुन डाल के इसको चटक दिया पूरा इसमें डाल देंगे तेल में। जब तक वो मसाले तैयार होंगे उतना पानी डाल के, क्योंकि सरसों है मेरा, सरसों पकना चाहिए, सरसों जितना ही पकेगा उतना ही अच्छा रहेगा। मसाले उसमें डाल दिए और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा मसाला है, ये चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये तावे पे मैं सरसों तेल ही फैला ली और इस पे मोटा मोटा थोड़ा सा कटोरी में पानी लेंगे और इसको हाथ से फैला लेंगे, पतला एक एक साइज का हाथ से फैला के कर लेंगे। इसको ढक देंगे थोड़ा सा ताकि ऊपर से भी पक जाए। इसी तरह से छिलका बना के इसको अभी लपेटेंगे, थोड़ा सा ऊपर से पक जाए तो इसको रोल करके फिर कट करके और उसमें ग्रेवी में डालेंगे अलग से। जब ग्रेवी पूरा बन जाएगा उसके बाद उसमें डालेंगे। इट इज कॉल्ड फिश करी विदाउट फिश, विदाउट फिश, विदाउट बोनलेस फिश करी। ना फिश करी तो बनता है सच से। हाँ वो तो बनता है, सही सही बात है। लेकिन ये विदाउट फिश, विदाउट फिश, एगलेस जैसे एगलेस एक कड़ी, उसी तरह फिश फिशलेस फिश कड़ी। हाँ तो मैं बना दी ना फिशलेस फिश कड़ी नाम दे दिए। आर ओ वाले आए हैं मुकेश नहीं आए। ये इसी तरह ऐसे लपेटते जाएंगे। भून गया पूरा एकदम, ये देखिए पूरा अच्छा से रेड हो गया है। अब इसमें पानी डाल देंगे और ये इतना बनाए हैं अभी और बनेगा, ये बन रहा है। इसको इसको जैसे ये किए ना तो इसको पलटेंगे नहीं, बिना पलटे हुए इसको ऐसे करके ऐसे दबा देंगे, दबाएंगे ताकि ये सट जाए, नहीं तो जब आप ग्रेवी में डालोगे ना तो टूट जाएगा। ये ऐसे कर देंगे इसको ऐसे करके और इसको इसी से कटिंग कर दो। थोड़ा सा थोड़ा देर कटिंग करके उसके बाद भी थोड़ा देर रखेंगे जब तक ये थोड़ा सा इस तरह से ब्राउन हो जाए। ये देखिए ब्राउन हो जाता है, तो जब ब्राउन हो जाएगा ना तो ये फिर नहीं टूटेगा, इसमें ग्रेवी में जब डालेंगे ना तो नहीं टूटेगा। खोल रहा है ये पूरा खूब अच्छा से और कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। अब इसमें धीरे धीरे करके ये डाल देंगे जो बनाए हुए थे फिश, फिशलेस फिश फिशलेस फिश कड़ी। आज सिन्हा जी भी बनाए हैं एक कटिंग किए बनाए। ये हो गया, अभी इसके ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे। उतरने के बाद नहीं मैं डालती, मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि स्मेल पूरा अच्छा से आ जाए। ये मेरा खाना निकल गया। ये सबके सब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और ये देखिए इनकी तैयारी चल रही है कल की। करीब हो गया 6-7 महीना हो गया ना, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो गया। मैं अपने फेस का केयर करते हुए केयर नहीं किए हैं ना कुछ भी। आप लोग बोलते हैं ना कि 55-60 साल की हो चुकी हैं फिर भी ऐसे कैसे दिखती हैं, ये रीजन है इनका ये रीजन औरतों के पीछे छुपा हुआ असली सच आज हमने किया उजागर देख लीजिए। मैं ईयरबड से लगाती हूँ
कहाँ जा रहे हैं तो ईयरबड्स क्यों वो सरप्राइज है आप लोग के लिए सरप्राइज ये देखिए ईयरबड्स से अब बहुत आराम से लगता है इससे हाथ से शर्म तुम भी लगाओगी नहीं लगा दूँ नाना कहाँ जाएंगे चमक के लिए कहाँ शगुन का काम और यहाँ वो शगुन का ऑफिस का काम ये शगुन का घर का काम और ये डैडी डैडी आप क्या कर रहे हैं प्याज काट रहे हैं प्याज डैडी रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं प्याज काट रहे हैं और हमारी माँ अभी शाम की पूजा कर रही है अभी शाम की आरती चल रही है और मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने के लिए कपड़े बहुत सारे हो गए हैं शगुन के भी हैं शगुन से पहले मैं हूँ हमारा मतलब कोई नहीं करता है हमारा पेटू हाँ पेटू अरे तो हमारे छाती में कहा है आई 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 अमित शुभम का एक बार होने के बाद भी शुभम जल्दी आओ शगुन भी जानबूझ के पेट निकाल के खड़ी है भाग रहा है बउआ को पसंद नहीं है इसलिए इधर उधर हो रहा है सिर्फ नमकीन मीठा धुआं यही चीज है मीठा बोल दी मीठा तो है ही नहीं और शैडो को अभी खाने में बनने जा रहा है हमारे पास है ये आप लोगों ने एक बार पूछा था ना ये क्या है वैसे मैं भी नाम भूल गया ये झिंगी झिंगी इसको झिंगी बोलते हैं आज झिंगी बनने जा रहा है झिंगी में जिसमें प्याज बहुत ज्यादा लग जाता है झिंगी बनेगा ना कि दोपहर वाली सब्जी है मम्मी तो खुद ही है तो बेटी आ गई का मार खा गई का चलिए ध्यान दीजिए ना थोड़ी उसको जबरदस्ती ओ बस महारानी आ जाए महारानी ये महारानी हम लोग कुछ नहीं है इसके आगे आज के फंक्शन की तैयारी हो रही है नहीं कल की फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जाना है मॉर्निंग आवर्स में ही जाना है इसलिए और मेरे आंखों में नींद वो बहुत फेशियल करने से और ज्यादा नींद आती है क्या हो गया जा रहे हैं शॉपिंग एसेंशियल चीजों की होती है हर कोई साथ लेना भी नहीं छोड़ता है ना साथ तो लेता ही खाना तो खाता ही है उसी तरह से ये छोटी मोटी चीजें खरीदी जाती है नहीं खाना तो खाना ही है और खाना रखने के लिए सामान खरीदना ही है तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए और इतना माइन्यूटली आप लोग सोचिएगा तब हम लोग को भी नहीं अच्छा लगेगा बाकी आप लोग इसी तरह प्यार दिखाते रहिए प्यार दिखाते रहिए कमेंट करते रहिए छोटी छोटी पैसे देखिए पैसे नहीं आ रहे थे मैंने कंपनी चेंज की है अगर आप लोग को ना पता हो मैंने कंपनी चेंज की है भाई की नहीं आ रही है ये सब चीजें जो होती है ना ये सैलरी नहीं आना ये सब इंटरनल बिजनेस है ये तो ये इंटरनल मैटर है मनी फ्रॉम यू हम लोग का ज्वाइन बटन भी आ चुका है जैसे कि ज्वाइन बटन कई लोगों के यूट्यूबर्स के आप लोगों ने नीचे देखा होगा कि जिसको आप फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट पे करके 99 100 जितना भी हो लोग करते हैं हम लोग ने वो भी ऑन नहीं किया है अगर अलग से कमाना होता तो हम लोग भी वो चीज ऑन कर देते हैं कई लोग ये चीज कर देते हैं इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब पैसा कमाना इज नॉट द बिग थिंग बस हम लोग आप लोग को एक एंटरटेन करते हैं कई लोगों का तो ऐसा मतलब हम लोग का तो ये सौभाग्य है कि हमारे माँ बाप हमारे भाई सब कोई हम लोग के साथ है बट कई लोगों के नहीं होते तो वो लोग हमारे परिवार से कनेक्ट होते हैं अभी ये फील कर सके फील करते हैं बाकी मेरा ये कहना है कि आज के डेट में भी अगर मैं चाहूँ तो अच्छी जॉब मुझे मिल सकती है आई कैन सर्व बट आई डोंट वांट नाउ बहाना है हमको अपने परिवार के साथ जुड़ के क्योंकि बहुत जगह ऐसा घर में है ना कि हर बच्चे अपने रूम में है माँ अपने रूम में है सभी अपने अपने में खाना भी लेके रूम में जाएंगे एक ऐसी बहाना होता है लेकिन नहीं हम लोग अपने एक साथ रहते हैं एक साथ खाते हैं एक साल होने जा रहा है इस चैनल को वी नो कि अभी चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है हमें भी बुरा लगता है इस चीज का बट क्या कर सकते हैं आप लोग लाइक करेंगे और जितने कमेंट करेंगे ना उससे ही इसकी रीच बढ़ेगी तो आप लोग वो कीजिए बाकी रब रखा
चलिए फिर इसी के साथ में इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मम्मी का हाथ कांप रहा है हमें यहीं से दिख रहा है। दर्द करता है ना। यदि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया, सगुन आज कुछ नहीं बोली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल रिटायर कर दो। बाय बाय। मुझे भी तो बोलने दो। अच्छा बाय रिटायर कर। परसों आप लोगों को एक मस्त ब्लॉग मिलेगा। बाय बाय, गुड नाइट।